एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंच आज का हमारा टॉपिक है टेलीकॉट पास हमने मार्क्स वेबर जो है वो अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है अगर अभी आप तक आपने वो नहीं देखा लिंक आप जाके देख सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एज यूजल डू गिव अ थम्स अप लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स और मुझे बताएं कि अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो इनके साथ को पसंद नहीं आया एंड जो कमेंट्स में बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया ठीक है थीके? तो टेलीकॉट पर्सन हम डिस्कस करेंगे आज इनको काफी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स थिंकर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ग्रैंड फ्रेमवर्क दिए हमें और उन उन एरियाज को टच किया वैसी वैसी बातें कही जो बाकी थिंकर्स ने नहीं करी थी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनको समझना बट आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन फॉर यू गाइज तो जस्ट स्टे ट्यून्ड और एक नोटबुक और पेन हाथ में लेके रखें क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड का इसमें यूज करने वाले हैं अगर आपको मैं सीधे बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड इतनी सारी चीजें हैं तो विल मेक इट सिंपल फॉर यू हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे उसके बाद विल गो थ्रू द दे बुक देखेंगे फिर सर ने क्या लिखा है ठीक है तो पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की बात की और फंक्शंस की बात भी की ठीक है पाइनियर फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी मोर स्पेसिफिकली इन अमेरिका अमेरिकन सोशियोलॉजी के लिए इन्होंने काफी काम किया है इन्होंने इंट्रोड्यूस की ग्रैंड फंक्शनल थियोरीज इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड ऑल्सो कैप्टन आई ऑन सोशल एक्शन तो सोशल एक्शन के बारे में और किसने बात की थी मैक्स वेबर ने इन्होंने भी सोशल एक्शन के बारे में बात की है जो हम आगे देखेंगे ठीक है तो अपनी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में ही बोरोड आइडियाज़ कहाँ कहाँ से इकोनॉमिक सोशलॉजी से कल्चरलॉजी से एंड साइकोलॉजी से अभी आप कंफ्यूज़ नहीं होना ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे इन्होंने इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया था अपनी स्टडीज में उन्होंने कंबाइन किया था उनको और ग्रैंड थियोरी जो है वो डेवलप की थी उन्होंने इंटीग्रेट किया फ्रेंच पॉजिटिविज्म को विद जर्मन आइडियलिज्म एंड ब्रिटिश यूटेलिटेरियनिज्म सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉजिटिविज्म क्या होता है जर्मन आइडियलिज्म इज योर की जो नॉलेज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर आइडियाज ठीक है जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है आपका जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है माइंड का आपकी आइडियोलॉजी वहाँ से एन यूटिलिटेरियनिज्म से इंसान वो काम करता है जो पेन को रिड्यूस करे और प्लग मैक्सिमाइज करे ठीक है तो इन सारी चीजों को इन्होंने कही कहीं ना कहीं कंबाइन किया पॉजिटिविस्टिक भी थे ये पॉजिटिविस्टिक मीन्स सोशियोलॉजी को कैसे स्टडी करो नेचुरल साइंस के बेसिस पे ये सब को यूज करके इन्होंने अपनी सिंथेटिक अप्रोच जो है वो डेवलप की उन्होंने सिंथेसाइज किया माइक्रो और मैक्रो व्यू को अब ये कैसे किया वो भी हमें डिस्कस करना है आगे तो अभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आराम से बैठ जाओ अपना कॉपी और पेन लेके के हमें इन डिटेल इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं ही टुक अ सिस्टमेटिक सिस्टमिक व्यू ऑफ सोसाइटी क्योंकि इन्होंने कहा सोसाइटी के कुछ ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको इन्होंने सिस्टम लेवल्स बोला था जो आगे सोशल सिस्टम का टॉपिक है उसमें हमें देखने वाले हैं ये सारी चीजें तो इसमें भी अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये सोशल एक्शन के बाद हम सोशल सिस्टम ही डिस्कस करने वाले हैं वो सिस्टम देखेंगे। उन्होंने रिजेक्ट किया हौबिजन, हौबिजन व्यू कहता था कि जो एक मेंबर ऑफ़ सोसाइटी है, वो प्रॉपरली बिहेव करते हैं क्योंकि उसको डर है कि अगर वो कोई गलत काम करेगा उसको कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ पनिशमेंट जो है वो फेस करनी होगी आप कुछ गलत करो आपको पनिश किया जाएगा उस डर के चलते आप क्या करते हो बिहेव प्रॉपरली इस वजह से बोला जाता है कि मैन रैशनल और मैन इज इस चीज को निगेट किया निगेट इन द सेंस उन्होंने माना कि हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है लेकिन कहा इनसफिशियंट है मोटिवेट करने के लिए किसी को भी बिहेव करने के लिए प्रॉपरली अगर आपको प्रॉपरली चाहते हो आप इंडिविजुअल बिहेव करे उसकी दो रीजन होते हैं दो चीजों की वजह से करता है पहला है वैल्यू कंसेंसिस सेकेंड इज योर मोटिवेशनल प्रॉब्लम ठीक है नाउ वी विल सी वैल्यू क्या होता है वैल्यू कंसेंसिस इज योर जो जिन वैल्यूज पे सारे लोग अग्री करें जो शेयर्ड वैल्यूज होती हैं सोसाइटी की एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं चीज को समझने के लिए आई एम योर टीचर यू एक्सपेक्ट मी टू बिहेव अ सर्टन वे मेरा कोई रोल है एज अ टीचर ठीक है और आप भी उस पर अग्री करते हैं अगर मेरे ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी उस पर अग्री करते हैं कि मैं एक टीचर के रोल में फीडबैक की हूँ दैट मीन्स जो मिस एक्सपेक्टेड बिहेवियर है मैं अकॉर्डिंगली वो बिहेव जो है करती हूँ तो हमारी क्लास हमारा क्लास सिस्टम सर्वाइव करेगा क्लास सिस्टम सर्वाइव करेगा हमारा जो क्लासरूम है वो सर्वाइव करेगा अब आप इसको खुद ही बड़े लेवल पे भी समझ सकते हैं मैं आपको छोटे लेवल पे एग्जांपल लेके समझाती हूँ ठीक है अब अगर ट्वेंटी स्टूडेंट्स में से टेन ऐसे हैं जो इस रोल पे अगर नहीं करते हैं कि नहीं हमारी मैम जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती है तो एक वैल्यू कंसेंसस नहीं रहेगा क्लासरूम जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो ये सिस्टम जो है वो क्रम्बल हो जाएगा दैट मीन्स किसी एक सिस्टम को बिहेव करने के लिए या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखो इंडिविजुअल्स को भी बिहेव करने के लिए प्रॉपरली वैल्यू कंसेंसस जो है वो इंटीग्रेटिंग फोर्स माना जाता है और ये वैल्यू कंसेंसस किस चीज से आता है रिजल्ट ऑफ रोल परफॉर्मेंसेस। फाइन टीचर की एग्जाम्पल अगेन स्टूडेंट को भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एक स्टूडेंट जो है कैसे बिहेव करेगा प्रॉपरली कल को अगर मैं यूट्यूब लाइव क्लासेस भी लेना शुरू करती हूँ तो तो भी आप मेरे स्टूडेंट रहोगे और आपसे एक बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट स्टूडेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा अगर आप अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करेंगे तो ना चाहते हुए मुझे लाइव क्लास को कैंसिल करना पड़ेगा हमारी लाइव क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि वो जो रोल परफॉर्मेंसेस है उस पर अग्री करने चाहिए वैल्यू कंसेंसेस होना चाहिए अगर सौ बच्चे वो लाइव देखेंगे तो सौ के सौ बच्चों को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है और ये जो रोल परफॉर्मेंसेज है ये कहाँ से आती है ये आपको सोसाइटी ने सिखाई होती है ये आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है ना स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना है इसमें आपके कहीं फंडामेंटल राइट्स वो सारी चीजें तो नहीं आती ना लॉ नहीं बना है कोई कि स्टूडेंट को क्लास में कैसे बैठना है ये नॉर्मलाइज किया जाता है आपको थ्रू सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशनलाइज पैटर्न ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कहाँ से सोशलाइज होते हैं आपकी सोसाइटी से देखो तो ये ये जो जो भी uh, लिखे हैं न, हैं ना ऐसे इटैलिक्स में वो वर्ड्स ने अपनी बुक्स में अपने वर्क्स में यूज किए होंगे तो ये आपको एज इट इज इजर्स में लिखने हैं जरूरी ठीक है तो क्या कहा इन्होंने वैल्यू कंसेंस इंपॉर्टेंट है ताकि एक स्टूडेंट एक इंडिविजुअल uh, जो है या सोसाइटी का सिस्टम जो है वो सरवाइव करे और वो बिहेव करें प्रॉपरली सेकेंड इज ए मोटिवेशन प्रॉब्लम इसका क्या मतलब हुआ जो भी हमारे सिस्टम होता है या हमारी सोसाइटी की नीड्स होती हैं उसमें और इंडिविजुअल नीड्स में अगर इनकम्पेटिबिलिटी आएगी तो प्रॉपरली बिहेवियर जो है वो प्रॉपर बिहेवियर डिपेक्ट नहीं होगा वाया इंडिविजुअल्स उस वजह से जो ये हमारे रेस्पेक्टिव सिस्टम्स है सोशल सिस्टम्स जो है उनका ये काम है कि वो इंडिविजुअल की नीड्स का भी ध्यान रखे दैट मीन सोसाइटी इंडिविजुअल की नीड्स का ध्यान रखे तो इंडिविजुअल जो है वो सही से बिहेव करेंगे सोसाइटी में फाइन तो दो चीजें हॉबीज इन व्यू क्या था कि वो फेयर की वजह से करते हैं पासन ने कहा नहीं एक वैल्यू कंसेंसस होता है वैल्यू पे सारे अग्री करेंगे तो वो प्रॉपरली बिहेव करेंगे एंड सेकेंडली इंडिविजुअल नीड्स का जब ध्यान रखा जाएगा ठीक है तो भी इंडिविजुअल्स जो है वो बिहेव करेंगे प्रॉपरली सोसाइटी में ये था इनका थोड़ा बेसिक सेकेंड इज ए सोशल एक्शन जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं क्योंकि बुक से अगर आप डायरेक्टली चीजें देखो तो यू विल गेट कन्फ्यूज तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाके हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आप मुझे एक सेकेंड दे दो हम व्हाइट बोर्ड वाली जो ये है वो स्टार्ट करेंगे ठीक है ठीक अब हम आगे व्हाइट बोर्ड की तरफ अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया था सोशल एक्शन सिस्टम को क्या बोला गया था इन्हें एक्शन थियोरी या इन आप इनको इनके एक्शंस भी बोल सकते हो या वॉलेंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन भी पार्सन ने कहा था तो पेन पेपर लेके आप बैठ जाओ और जो जो मैं बोलूंगी वो नोट no डाउन करो देखो पार्सन ने कहा था एक्ट क्या होता है जो एन एक्ट इज कॉन्शियसली परफॉर्मड दैट मीन जो आप कॉन्शियसली परफॉर्म करो वो आपका सोशल एक्ट होता है ठीक है कॉन्शियसली परफॉर्म करो दैट मीन्स वो आपने कोई मीनिंग के साथ किया है कोई सूझबूझ के साथ किया है आप खड़े रह के ये कर रहे हो सिंपली या सर खुजा रहे हो या छींक रहे हो वो कोई कॉन्शियस एक्ट नहीं है आपका जो एक्ट होता है ना एक्ट इज द वन दैट इज कॉन्शियसली परफॉर्म्ड ठीक है और इन्होंने भी इसमें सब्जेक्टिविटी uh, ऑब्जेक्टिविटी क्योंकि मैंने कहा इन्होंने किसके स्कूल को क्लब किया था फ्रेंच पॉजिटिविज्म को भी तो ये उस चीज पर भी बिलीव करते थे ऑब्जेक्टिव स्टडी पे सेकेंड इन्होंने कहा था जैसे वेबर ने भी कहा था आपको एक्टर के मीनिंग्स को समझना होगा जो उन्होंने अपने एक्शन को दिए हैं उसको उन्होंने नाम दिया था एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जैसे वेबर ने क्या कहा था वर्स्टन सब्जेक्टिव लेवल पे समझो चीजों को वैसे ही इन्होंने कहा था एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया था एक्शन को लेके ठीक है अब ये तो इन्होंने कहा था अब ये देखो अब एग्जाम्पल अगेन मैं इसको फिर से सिंपल करती हूँ कि सब्जेक्टिव मीनिंग कैसे समझना है हमने वेबर में डिस्कस कर लिया है पर यहाँ पे अगर कोई वीडियो आज पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है ठीक है लेट्स से राज काफी इंटेलिजेंट है आप इंटेलिजेंट बच्चों की क्या निशानी होती है यूजली आप इंटेलिजेंट या ज्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट बोल दो वो क्लास में क्या करते हैं वो आंसर करते हैं टीचर को ठीक है जल्दी जल्दी आंसर करते हैं उसका हो सकता है राज के पास काफी रीजंस हो कि या तो उसको अपनी इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करना है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं या तो उसको अपने किसी फ्रेंड को इम्प्रेस करना है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं या तो उसको टीचर्स पेट बनने का शौक है ठीक है या तो बस उसको हर जगह से प्रेजेस चाहिए तो अगर आप राज का जो एक्शन है जल्दी से क्वेश्चंस को आंसर करने का उसको समझना चाहते हो एक जनरल आप उसको नहीं समझ सकते कि बच्चे आंसर करते हैं ठीक है क्योंकि क्यों उनको आंसर आता है आप एक जनरल पिक्चर उसकी नहीं दे सकते आप क्या करो आप उसको उसके मीनिंग पे समझो सब्जेक्टिव मीनिंग पे कि राज क्यों ऐसा कर रहा है इंटेलिजेंस डिस्प्ले चाहता है फ्रेंड को इंप्रेस करना चाहता है टीचर पेड बनना चाहता है कि प्रेजेस लेना चाहता है क्या करना चाहता है दैट मीन्स उसको उसके उसके एक्शन के मीनिंग को समझो जो राज ने अपने एक्शन को दिया है इसको उन्होंने कहा एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वेबर ने इस को क्या कहा था वर्स्टेन अप्रोच ठीक है वर्स्टेन अप्रोच आई होप इट्स क्लियर अब आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे नहीं पहले इसमें और एक दो चीजें हैं देखो अब वेबर ने क्या कहा था दूसरा पेन ले लेते हैं वेबर ने क्या कहा था एक एक तो ये मीनिंग की बात की थी सेकंड उन्होंने कहा था द एक्ट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल Orientation होनी चाहिए ये चीज ने नहीं कही थी उन्होंने अदर इंडिविजुअल नहीं कहा था बट उन्होंने चार कंडीशंस दी थी आपके लिए चार कंडीशंस इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्ट को एक सोशल एक्ट मीन्स एक एक्शन बोलने के लिए चार कंडीशन चाहिए ठीक है तो वो कंडीशन क्या है पहला की जो एक्ट है वो किसी सोशल सिचुएशन में हो रहा हो दैट मीन्स सोशल कंडीशन में हो रहा हो अगेन कोई खड़े रह के छींक रहा है वो कोई एक्ट नहीं है ठीक है कोई एक कंडीशन कोई एक सोशल कंडीशन दैट मीन आप एक मेंबर ऑफ सोसाइटी हो उस टाइम पे जब आप वो एक्शन कर रहे हो आप सिर्फ खड़े रह के यौन कर रहे हो वो एक एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वो एक्शन नहीं है वो आपका इंडिविजुअल एक यौन करना है ठीक है दैट मीन्स एक सोशल सिचुएशन जरूरी है सेकेंड एक गोल होना चाहिए वो एक्शन करने के लिए दैट मीन्स जो एक्टर है वो मोटिवेटेड होना चाहिए वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए थर्ड इज वो जो आपका एक्शन है इट शुड भी रेगुलेटेड बाई नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट मीन्स आपको सोसाइटी भी दिमाग में रखनी है वो एक्शन करते टाइम आपकी रेगो एक्ट जो है इट शुड भी रेगुलेटेड बाई नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऐसा नहीं है आप जो मर्जी आए वो करते जाओ ठीक है फोर्थ इज यूर इट शुड इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी फाइन अभी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है देखो ये चीज आप याद रखो कि जो ये हैं पार्सन है इनके अंडर ग्रेजुएशन इनके अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट में बायोलॉजी मेजर था फाइन बायोलॉजी मेजर था इस वजह से क्या होता था कि इन्होंने हर जगह कहीं कही ना कहीं बायो की बात की सोशो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने साथ साथ दिया सोशो बायोलॉजी का तो जहाँ पे भी एनर्जी रिलेटेड बात आती है या इन्होंने आगे फर्दर हमें ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम की भी बात की है वो एक्चुअली में आपके बायो वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है आपकी बॉडी फिजिकल बॉडी आपकी एनर्जी आप इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी कोई भी एक्शन अगर आप करते हो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई कोई भी चीज कर रहे हो उसमें कोई ना कोई आपकी बॉडी की एनर्जी कंजम्पशन होगी एनर्जी यूटिलाइज होगी तो ये सिंपल वही बात है क्योंकि वो एक बायोलॉजिस्ट थे एक बायोलॉजिस्ट नहीं कह सकते पर उनका एक बायोलॉजी मेजर उनका सब्जेक्ट रहा है तो सोशो बायोलॉजी की बात उन्होंने कहीं ना कहीं सोशलो बायोलॉजी क्लब करके एक सोशल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ चलाने की कोशिश की है ठीक है तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किसका एक्शन सोशल एक्शन का जो पार्सन दिया था ठीक है आगे हमें और कुछ चीजें डिस्कस करनी है उससे पहले इन सब चीजों को हम डिलीट कर देते हैं काफी स्लो चलता है ये येट इसको मैं डिलीट कर देती हूं हाँ आगे देखो एंड एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म ठीक है अब देखो इनका क्या मानना था जो भी हम एक्ट करते हैं जो भी हमने एक्शन किया उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं ठीक है कुछ रीजन होते हैं एक्शन के पीछे तो इन्होने कहा जो भी हम एक्ट करते हैं वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है या तो आपका मोटिवेशनल ओरियंटेशन से वो इन्फ्लुएंस होगा वो एक्ट या वैल्यू ओरियंटेशन से ये बुक में उतनी डिटेल में नहीं लिखी है ये चीजें इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए ये आ, सर की बुक पे इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई है ठीक है तो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन क्या होता है अगर पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर में आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी टेंशन नहीं लेना वैल्यू ओरिएंटेशन होती है अगर आपका जो एक्शन है उसके पीछे आप मेजरली इन्फ्लुएंस हुए हो बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं राज की अब राज जो है यहाँ पे ये एक ओवरवेट बच्चा है ठीक है बट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ हेल्दी हेल्थ है एज पर सोसाइटी सोसाइटी ने जो एक नॉर्म बनाया है कि यू यू हैव हैव टू टू लुक अ वे वे बनायाटन अमाउंट ठीक है तो उस हिसाब से ये क्या माना जाता है ये ओवर वेट है तो अगर वो सोसाइटी जो उसको देखना चाहे उसकी परवाह ना करते हुए ही इंडाल्जेस इन टू ईटिंग एज पर हिज ओन लाइकिंग वो जंग भी खाता है ठीक है उसके बाद वो योगा वगैरह भी करता है he knows फाइन तो फिर भी अपनी ईटिंग पे अच्छे से ध्यान दे रहा है दैट मीन्स उसका मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो है वो हाई है ठीक अब अगर राज कंसर्न हो गया है अपने वेट को लेके एंड ही इज गोइंग टू जिम या जूम्बर क्लासेस वो जा रहा है ऑल्दो ही डज नॉट लाइक इट पर वो फिर भी कर रहा है क्योंकि उसको सोसाइटी ने जो एक वेट डिटर्मिन किया है हेल्दी वेट सोसाइटी की जो आइडियल ये है बॉडी उसमें फिट होना चाहता है दैट मीन्स उसका जो वैल्यू ओरियंटेशन वाला आस्पेक्ट है वो हाई है समझ गए इस एग्जाम्पल से कि पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर अगेन राज ओवरवेट लेकिन वो खा रहा है कि तो उसका ये चीज हाई होगी अगर वो जिम जा रहा है अपनी विश के अगेंस्ट तो उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी जा रहा है दैट मीन्स उसका वैल्यू ओरिएंटेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो हाई है ठीक है अब इसके जो मोटिवेशनल ये है और इनके कुछ टाइप्स दिए थे टेलकॉट पर्सन ने मोटिवेशनल ओरिएंटेशन वैल्यू ओरिएंटेशन ऑरिएशन वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम राज के एग्जाम्पल को डिलीट कर देते हैं आई होप साथ 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 में कॉपी कर रहे हैं अब देख लो मोटिवेशनल ओरियंटेशन जो है पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर अब ये किस चीज से इफेक्ट होता है इट इज इफेक्टेड बाई थ्री थिंग्स कग्नेटिव के थे अच्छे से समझना क्योंकि बुक में डिटेल में नहीं है जो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाऊंगी वो एग्जाम्पल आपके इग्नो के नोट्स पे अच्छे से दी हुई है इवेल्युएटिव ठीक है अब देखो कग्नेटिव क्या होता है कग्नेटिव जहां भी आएगा वो रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल माइंड इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड है एंड कथेक्टेड इज योर इमोशनल रिस्पॉन्स किसी चीज को लेके एंड दिस इज योर इवेल्युएटिव नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है इवेल्युएटिव योर नीड नो जो अच्छे से एनालाइज करके सारे कंडीशन को फाइनली हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं अब जो मोटिवेशनल ऑरिएंटेशन है इंसान की वो तीन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है कग्नेटिव से तीन चीजों से इफेक्ट होती है कग्नेटिव से कैथेटिक से या इवेलोवेटिव से अब देखो कग्नेटिव क्या होता है इसके लिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी है वो मार्केट जा रही है वेजिटेबल्स खरीदने के लिए ठीक है अब वो वेजिटेबल्स खरीदते वक्त अगर ये देखेंगे किस वेजिटेबल में कितनी कैलोरी काउंट है कौन सी वेजिटेबल मेरे लिए एफोडेबल है ठीक है घर में कितने बच्चे हैं किस बच्चे के लिए कौन सा वेजिटेबल जो है वो हेल्थ वाइज सही रहेगा तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं तो जो भी उनकी ओरिएंटेशन होगी या तो वो कग्नेटिव से इफेक्टेड होगी तो वो ये सारी चीजें करेंगी सेकेंडली अगर वो कथेटिक से इन्फ्लुएंस्ड uh, होंगी दैट मीन्स ऑल दो कैलरी एफोर्डेबल वगैरह साइड में कि इनको कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल पसंद है चाहे उसका हेल्थ वाइज उतनी वो इंपॉर्टेंट ना हो कोई भी एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल करेला ठीक है ये मैं एग्जाम्पल सिर्फ कर रही हूँ मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है फॉर एग्जाम्पल करेला उसको पसंद है न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी वो करेला खरीद रही है दैट मीन उसका जो एक्ट है वो किससे इफेक्ट हो रहा है कथेक्टिक इमोशनल रिस्पॉन्स से थर्ड इज ए इवेलवेटिव नीड ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो सारा देख के कि क्या ठीक है क्या कैलोरीज वगैरह ये सही रहेगा मेरी लाइकिंग क्या है ये सारा देख के एक फाइनल डिसीजन पे आती है इज एबल टू मेक अ फाइनल डिसीजन और फाइनली वो वो सब्जी चूज करेगी जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ठीक है तो जो उसका डिसीजन होगा वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा कक्नेटिव से कैथेक्टिव से एंड दुवेटिव नीड से ठीक है और ये किसका पार्ट है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन का वैसे हम आगे चल के किसका देखेंगे वैल्यू ओरिएंटेशन का देखते हैं वैल्यू ऑरिएंटेशन इस वैल्यू ऑरिएंटेशन में जो भी आप डिसीजन लोगे वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस या इफेक्टेड होता है फर्स्ट वन इज योर कग्निशन दैट मींस अगर आपके डिसीजन में ये वाला कॉम्पोनेंट ज्यादा है सेकंड इज योर एप्रिसिएशन थर्ड वन इज योर मॉरल ठीक कग्नेशन अगेन आपके इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट से रिलेटेड है

जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला है परफॉर्म करने के लिए एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अब आप क्या करते हो यू बीइंग अ टीम लीडर पहले आप क्या करते हो आप उस प्रोजेक्ट का पहले अच्छे से एनालिसिस करते हो बाद में आप एक डेटा वगैरह जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए डेटा स्टैटिस्टिक्स वो देखते हो फिर आप प्रोजेक्ट के प्रोज कॉन्स देखते हो उसका प्रॉफिट लॉस क्या हो हो सकता है वो प्रोजेक्ट करते हो दैट मीन सारी जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो आप कर रहे हो तो आपका

जो आप कर, कर रहे हो पूरा उसके लिए आपको कोई मॉरल कोड्स फॉलो करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल एथिकल कोड्स आपको ये देखना होगा वो ऑर्गेनाइजेशन मॉरल किसको समझती है जैसे हम लास्ट सेमेस्टर में क्या होता था यूजी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता था तो उस प्रोजेक्ट को क्या करते थे यूज मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर से बना के लेके आते थे फिर अपने यहाँ पे उसका सेमिनार करते थे तो वो मॉरल नहीं है एज पर योर यूनिवर्सिटी वो एक मॉरल एथिकल चीज नहीं है Fine. तो सोसाइटी या आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन हमने लिया वो क्या मॉरल और एथिकल समझती है आपको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे अपने काम को पूरा करने के लिए तो दिस इज योर वैल्यू ओरिएंटेशन आई होप ये क्लियर हुआ होगा बहुत ही सिंपल करके मैंने आपको बनाने बताने की कोशिश की है अब देखो एक रिवीजन कर लेते हैं तो एक जल्दी जल्दी क्विक रिविजन ले लेते हैं पहले अब मैंने आपको क्या कहा एक्ट क्या होता है एक्शन क्या होता है एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड उसका कोई मीनिंग होता है उस मीनिंग को, को हमें देखना पड़ेगा जो एक्टर ने अपने एक्शन को दिया है एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे आपको वेबर ने क्या कहा था इसमें वर्स्ट हैं। ये दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है आपका एक्शन या तो उसमें मोटिवेशनल ओरिएंटेशन होगी या तो वैल्यू ओरिएंटेशन होगी मोटिवेशनल ओरिएंटेशन मीन पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर तो इसके टाइप्स क्या आ गए ये किस किस चीज से इफेक्ट होगा कग्नेटिव इथेक्ट वैलुएटिव इसमें मार्केट वेजिटेबल वाली एग्जाम्पल सेकेंड इज योर वैल्यू ओरिएंटेशन इसमें क्या होगा द पर्सन विल फॉलो विल रिगार्ड द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी मोर देन द पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर ठीक है तो इसमें किस किस चीज से इफेक्ट होगा कग्नेटिव आस्पेक्ट कग्नेशन से अप्रिशिएटिव आस्पेक्ट दैट इज इमोशनल रिस्पॉन्स और मॉरल आस्पेक्ट दैट इज वट सोसाइटी एंड इमोरल इसको समझने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल ली थी ठीक है तो ये हो गया अब हम वापस चलते हैं किसकी तरफ अब हम देखते हैं नितिन सर ने बुक में क्या लिखा हुआ है सोशल तो एक्शन को उन्होंने क्या लिखा था सोशल एक्शन ही कंसिडर्स दैट ऑल पॉसिबल इम्पेरिकल एक्शन ऑफ द पीपल को अरेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में इन्होंने ग्रैंड फ्रेमवर्क हमें दिया सोशल एक्शन का कि वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस होगा मोटिवेशन से या वैल्यू से उन्होंने डेवलप किया स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इन कंट्रास्ट टू वेबर ने क्या दिया था फोर आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन दिए थे वेबर ने ठीक है उन्होंने प्रपोज की थी वॉलंटरिस्टिक थियोरी ऑफ सोशल एक्शन या उसको सिंपल एक्शन थियोरी भी बोला जाता है तो उन्होंने इसमें पॉजिटिविस्ट और आइडियलिस्ट उनको इनकॉर्पोरेट किया था कैसे क्योंकि इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव तो की बात की ही थी क्योंकि पॉजिटिविस्ट थे और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स जिसमें इन्होंने एम्फिसाइज किया था एक्शन फ्रेम ऑफ योर रेफरेंस विच इसके आपको मीनिंग समझने की कोशिश करनी है जो इंडिविजुअल ने अपने एक्ट को दी होती है जैसे आपको वर, वेबर ने किस बात किसकी बात की थी वर्स अप्रोच की ही ट्राई टू कंबाइन बोथ माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियालिटी ठीक है सोशल एक्शन में माइक्रो माइक्रो इन्हें कैसे कंबाइन किया था क्योंकि एक्शन इन्होंने थे एक माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है कि एक इंडिविजुअल का जो एक्शन है उसको समझने के क्या तरीके हैं ठीक है लेकिन बाद में इन्होंने कहा था ये जो एक्शन है ये आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं होता ये कॉन्स्टलेशन में परफॉर्म होता है दैट मीन्स बहुत सारे एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं जिसको इन्होंने सोशल सिस्टम कहा था जो हमें इसके बाद पढ़ना है तो एन एनी एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड वो एक सोशल एक्शन है फाइन ये भी हो गया अनलाइक वेबर वेबर ने क्या कहा था ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल दैट मींस प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल होनी चाहिए इन्होंने वो बात नहीं कही थी इन्होंने चार सोशल कंडीशंस दी थी कि इट अकर्स इन अ सोशल सिचुएशन एक गोल होना चाहिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रेगुलेट होना चाहिए एंड इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी ये भी हमने पढ़ लिया उनके अकॉर्डिंग जो एक्टर है गोल थी इंडिविजुअल है और ऑल्टरनेट मीन होते हैं उस गोल को अटेन करने के अब वो जो गोल है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स पहले ये देख लो ये इंडिविजुअल है ये उसका गोल है नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उस उसका एक्शन रेगुलेट होता है ठीक है सेकंड ठीक है सेकंडली ये सोशल कंडीशंस होनी चाहिए एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए और उस एक्शन को करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं अब वो एक्शन जो है वो किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है मोटिवेशन ऑरिएटेशन से या वैल्यू ओरियंटेशन से राज की एग्जाम्पल दो पिज्जा खा रहा है तो ये चीज फॉलो कर रहा है जिम जा रहा है तो ये चीज फॉलो कर रहा है

ठीक है तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ एक्शन वेबर का जिन्होंने जिसमें वेबर ने किसकी बात की थी रैशनैलिटी की बात की थी कहा था मीन्स और एंड जो होते हैं बोथ दे आर लॉजिकली डिसाइडेड इसमें इवेल्युएटिव कॉम्पोनेंट इज मोस्ट डोमिनेटिंग बहुत दी एंड एंड मीन्स होते हैं लॉजिकली डिसाइडेड एक्सप्रेसिव एक्शन अगर आपने वेबर पढ़ा है जो समझ लिया है जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तो तभी मैं तेज तेज से पढ़ रही हूँ क्योंकि ये चीज हमने डिस्कस कर लिया इट इज सिमिलर टू इफेक्टिव एक्शन ऑफ वेबर इसमें अप्रिशिएटिव कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है दिस इज ये इमोशनल रिस्पॉस वो वाली एग्जाम्पल याद करो जो मैंने कही थी अगर एक माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है आउट ऑफ फेयर क्योंकि वो बच्चा एकदम से क्या करता है पानी की तरफ गर्म पानी की तरफ जाता है तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ठीक है तो उसमें अप्रिशिएटिव कॉम्पोनेंट ज्यादा हुआ तो वो भी एक टाइप का एक्शन है थर्ड वन इज ये मॉरल एक्शन जो सिमिलर है ट्रेडिशनल और वर्ड रैशनल के ट्रेडिशनल मीन्स आपके जो बिलीफ्स वैल्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं आपके ट्रेडिशन से वर्ड रैशनल इज जो आपके गोल्स हैं वो डिटर्मिन के के आपके करेगा, लेकिन आप वो गोल्स को पूरा करने के लिए रस्ते करते करते गोल्स डिसाइड करती है सोसाइटी के वैल्यूज बट आप उसके लिए लॉजिकल मींस यूज करोगे तो इसमें एक्टर की अपनी मोटिवेशन जो है वो सबॉर्डिनेट होती है टू द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल सोल्जर ठीक है नेशन होड ये सारी चीजें नेशन नेशन को बचाना मेरी मातृभूमि ठीक है ये सारी चीजें वैल्यूज हैं सोसाइटी की ये एक सोल्जर के अंदर होती हैं वो इसको पूरा करना चाहता है लेकिन उसके लिए वो क्या गोल्स यूज करता है कोई भी जाके गन नहीं उठा सकता ना ये सारी चीजें बॉर्डर पे जाके फाइट करने के लिए उसको एग्जाम पास करना होता है उसको ट्रेनिंग के थ्रू जाना होता है दैट मीन उसको एक लॉजिकल मीन यूज करने होते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए जो गोल कहाँ से आता है सोसाइटी के वैल्यूज से हो गए ई ठीक है उसके बाद फर्दर एक्शन जो है आइसोलेशन में नहीं होते कॉन्सलेशन में होते हैं इन कॉन्सलेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशलाइज सोशल इंटरेक्शन इसको बोला जाता है सोशल सिस्टम ये हमें यहाँ पढ़ना है ठीक है वाइल पर्सन थियोराइज सोशल एक्शन हिज मेन अटेंशन वॉज ऑन सोशल सिस्टम यहाँ पे स्ट्रक्चरेशन की बात हुई स्ट्रक्चरेशन बेसिकली एंथनी गिडन्स का कॉन्सेप्ट है आपको इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि यू नेट में आता है ठीक स्ट्रक्चरेशन एक्चुअली सोसाइटी में हो रहा है रिप्रोड्यूस है, है, होते हैं और इसमें स्ट्रक्चर का भी उतना ही हाथ है जितना ह्यूमन एजेंसी का है दैट मीन ह्यूम का और ह्यूमन के एक्शन का दैट मीन्स ये एजेंसी इनके एक्शन एंड स्ट्रक्चर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चरेशन थ्योरी कहती है ठीक है तो आगे हम देखेंगे सोशल सिस्टम्स पर वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टिल देन बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स बाय हैव अ नाइस डे